So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dollhouse. My name is Zoya Khan और ये मेरा YouTube चैनल है और इस चैनल पे मैं पहली वीडियो डाल रही हूँ. अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जाने पहचाने कि मैं कौन हूँ. बेसिकली मैं सिंगर हूँ, सिंगिंग करती हूँ मैं, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ पहले. आई होप आप सभी लोग पसंद करेंगे. अब इंशाल्लाह अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मेरी फैमिली बने, मेरे साथ जुड़े. जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है बहुत तेज. मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में मौसम थोड़ा चेंज होता रहता है. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वेदर, पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा. बहुत स्कैरी था. तो मेरा नाम ज़ोया खान है, याद रख लीजिएगा आप सभी लोग. और तो मैं व्लॉग चैनल इसलिए स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि आप लोग मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानें. थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैं वो दिखाऊंगी इस चैनल पे. थोड़ा बहुत म्यूज़िक होगा, व्लॉगिंग होगी और शोज़ वगैरह मैं कैसे करती हूँ, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी. बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज और मैं इस कार में फंस चुकी हूँ अकेले. फाइनली मैंने एसी चला दिया है. सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. और गाइस मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं. ये वीडियो वायरल कर देना, बिल्कुल वायरल कर देना कि नया यूट्यूबर आया कोई जो सबको पछाड़ देगा. इसको ट्रेंडिंग पे लेके जाओ इस चैनल को, ठीक है. मेरे सब्सक्राइब बढ़वाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी मैं. और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में तो लॉकडाउन लग रहा है, बट मुझे कुछ ज़रूरी काम था, मैं इसलिए बाहर आई हुई थी. बट अचानक से बारिश आ गई तो मैंने सोचा कि यही एक बेस्ट मोमेंट है आप सभी लोगों के लिए व्लॉग करने के लिए. मैं बहुत कुछ डालना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे इमोशंस बाहर नहीं आ रहे क्योंकि मेरा. गाइस मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि मुझे सजेस्ट करें कि मैं और किस टाइप के व्लॉग्स बना सकती हूँ. तो मैं आ जाऊँ लेने फिर? अभी आ जाता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ ना. अभी हो गया ठीक? हो गया एक्चुअली मैं जिस दिन सिंगिंग करती हूँ वो स्पीकर खराब था, तो वो अब ठीक हो चुका है. वो स्पीकर ठीक हो गया तो मैं वो लेने जा रही हूँ. बाहर निकलते समय बेल्ट भी जरूर लगाइएगा.